और इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। बघेल सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल नजर आया। बघेल सरकार के खिलाफ बीजेपी की मशाल रैली निकाली गई, तो मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम के तहत बीजेपी ने रैली निकाली। रायपुर समेत सभी संभाग मुख्यालयों में बीजेपी की मशाल रैली निकाली गई। ये राजधानी रायपुर की तस्वीर है, किस तरीके से बघेल सरकार के खिलाफ बीजेपी की मशाल रैली यहाँ पर सामने आई है। तस्वीरें आप देखिए, तो बीजेपी के कार्यकर्ता मशाल हाथों में लेकर यहाँ पर रैली निकालते हुए नजर आए। तो बघेल सरकार के खिलाफ बीजेपी एकजुट और लामबंद, तो राजधानी रायपुर की तस्वीर। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर मकान दिलाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलनरत है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर रायपुर के अंबेडकर चौक की दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या पर यहां पर अंबेडकर चौक पर पहुंच चुके हैं और चौक को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया। इस वक्त हमारे साथ राजेश मूणत, हम बातचीत करते हैं। एक बार फिर बड़ा आंदोलन यहाँ पर बीजेपी कर रही है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। गरीब आदमी परेशान, 18 लाख परिवार का हक छीनने वाली ये सरकार, 4 साल तक ये सरकार गरीबों को झुंझुना पकड़ाते रही, मोर जमीन मोर आवास पट्टा कुछ नहीं मिला। और प्रधानमंत्री ने जब 18 लाख परिवार को यहाँ पर, गरीब परिवार को मकान के लिए पैसा दिया, ये सरकार के दिन ग्रांट नहीं पटा सकते, बहुत दुर्भाग्यजनक है। और अरबों रुपया ये कांग्रेस के अधिवेशन में खर्च करने के लिए पैसा है। छत्तीसगढ़ की जनता को तुमने ATM समझा, छत्तीसगढ़ की जनता को लूट खसोट के पैसा ले जाओगे, और छत्तीसगढ़ के गरीब परिवार को मकान के लिए पैसा नहीं है। आज इसको लेकर के भाजपा कार्यकर्ता हम चेतावनी देने आए हैं, मशाल जला करके आए हैं। ये गरीबों के साथ में भाजपा खड़ी है, उनको मकान का हक देना होगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, नहीं तो भाजपा कार्यकर्ता आने वाले समय में और भी उग्र आंदोलन करेंगे। बिल्कुल, ये थे राजेश मूणत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये एक अल्टीमेटम देने के लिए यहाँ पर आया गया है मशाल रैली के माध्यम से। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जो अंबेडकर चौक की है, जहाँ पर देखिए चारों तरफ से सड़क को बंद कर दिया गया है, कार्यकर्ता चारों तरफ सड़क को जो है उसे रोक कर रख दिए हैं और एक बड़ा जाम इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या पर पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है और जैसे तैसे अगर यहाँ पर स्थिति को संभालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी मशाल रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास को घेरने के लिए निकली हुई थी, जिन्हें बैरिकेडिंग कर पुलिस बल लगाकर यहाँ पर रोक लिया गया है। कैमरामैन रविंद्र नागलकर के साथ शिवम मिश्रा, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।